दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आज बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो मार्केट में बड़ा ही देखने को मिलता है। बनाने वाला तो मैं कोई और क्वेश्चन था, लेकिन मुझे किसी ने यही सजेस्ट किया कि सर एक्चुअल में ना आजकल ये कंपनियां बहुत बढ़ रही है, नेटवर्क मार्केटिंग तो ये तो ट्रेंड आ रहा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, तो बढ़ना तो जाहिर सी बात है। और क्वेश्चन उन्होंने बोला कि सर बताओ कि लोग बोलते हैं ये मेंबर बनाने का काम है। मैं तो जाहिर सी बात बोलता हूँ कि वास्तव में ये तो मेंबर बनाने का ही काम है, क्योंकि जिन ये तो चैन बनाने का काम है, और जिनकी चैन नहीं है वो आज बेचैन है कहीं ना कहीं। तो आपको मैं बता दूं किस प्रकार से। दोस्तों आपको मैंने एक फार्मूला हमेशा बताया है, पहले फील करना है, फिर फेल्ड करना है, फिर फाउंड करना है। बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाथ मिलाओ एक बार बढ़िया से। अगर मान लो आगे वाले के क्वेश्चन 2-3 ही है तो हाथ मिला सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं अगले ने 10 क्वेश्चन बना के लिस्ट बना के दे रखे और हर बार आप हाथ मिला रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर मान लो उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि सर ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, और क्वेश्चन की भी लिस्ट बना के जवाब देना है, ऐसा नहीं, नहीं तो वो पूछता रहेगा, 12 क्वेश्चन कर देगा आपसे। उसको बोलो सर क्या क्या क्वेश्चन आपके, मैं क्वेश्चन की लिस्ट बना लेता हूँ, साथ में मदद करता हूँ सर आपकी, तो उसकी मदद करनी है आपको इस मामले में। तो जब बोलोगे, वो पूछेगा कि सर लोग बोलते हैं ये तो मेंबर बनाने का काम है, उसको बोलो कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी लगता था कि ये तो मेंबर बनाने का काम है, लोगों के घर घर जाने का, लोगों की मिन्नतें निकालने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है। जब हम लोगों के आगे घर घर जाके लोगों की मिन्नतें निकालते हैं तब ये बिजनेस होता है, तब ये बिजनेस चलता है, नहीं तो ये बिजनेस चलता नहीं है। दोस्तों अब आप उसको बता सकते हो कि लोगों को मेंबर बनाने का काम नहीं, ये नेटवर्क बनाने का काम है। अब नेटवर्क किस किस ने बना रखा है? दोस्तों उसको बता सकते हो कि एक दूध वाला है जो आपके घरों में दूध देता है, उसका भी एक नेटवर्क है, इसलिए वो आज पैसा कमा रहा है। आज एक किरियाने की दुकान वाला है, उसने भी थोड़ा बहुत नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, आजू बाजू के कुछ कस्टमर उसके पास आते हैं, किरियाने का सामान लेके जाते हैं, इस वजह से आज उसका नेटवर्क है और नेटवर्क के माध्यम से उसका बिजनेस चल रहा है। आज एक टीचर है वो पढ़ाता है कुछ बच्चों को, इसलिए वो नेटवर्क है। आज एक स्कूल नेटवर्क की वजह से चलता है, बसें नेटवर्क की वजह से चलती है, हालांकि हमारे फोन और सिम कार्ड जो नेटवर्क है ये भी नेटवर्क के हिस्से में है। हर एक काम दूसरे काम पे आधारित है, मतलब सब नेटवर्क के आधारित है। अगर आज एक किसान है वो खेती करता है, खेती के माध्यम से अनाज उपज होता है, उसका रोटेशन तभी चलता है जो अनाज वो मंडी में देता है और मंडी से उसको कुछ जरूरी चीजें मिल जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो कपास देके कपड़ा बना ले। लेकिन कपास देना और कपड़ा बनाना एक माध्यम है, वो नेटवर्क का हिस्सा है। कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री के पास माल जाता है और वहां से आता है, वो नेटवर्क के माध्यम से कपड़ा बन के आता है। तो उसको बता सकते हैं आप कि नेटवर्क बनाने का काम है वो ही सही है, नेटवर्क ही है कहीं ना कहीं हर एक माध्यम, हर एक तरीका। अब आप उसको बोल सकते हो कि सर आप जो साबुन, तेल, पेस्ट, चाय पत्ती, जो बेसिक सामान है, 10 चीजें लिख के बता सकते हो कि ये सामान कहाँ से लेते हो आप। वो बोलेगा सर मैं कोई ना कोई किरियाने की दुकान, जनरल स्टोर या कोई मॉल से लेता हूँ। उसको बताइए कि सर आप जहां से भी लेते हो तो वहां के नेटवर्क के हिस्से में हो कि नहीं हो आप। अच्छा वहां से सामान लेने से आपको 2 रुपये इनकम होती है कि नहीं होती? वो बोलेगा नहीं होती। तो उसको बताना है कि हर एक लोग नेटवर्क के हिस्से में है। अब देखते हैं कि किन लोगों का नेटवर्क बना हुआ है, उसको बताना है आपको, बताना है कि सर आप 2-3 उदाहरण दे सकते हो इस मामले पे आके कि सर एक तो फेसबुक का मालिक है मार्क जुकरबर्ग, जिसका आज ऑल ओवर इंडिया में इतने बड़ा नेटवर्क है कि आज जानता नहीं फेसबुक का मालिक कि मुकेश अजयपाल कौन है, आज जानता नहीं फेसबुक का मालिक कि मनोज कुमार कौन है। उसका आगे वाले का नाम लेके बोल सकते हो कि ये कौन है, आपको फेसबुक का मालिक नहीं जानता, लेकिन आप उसके नेटवर्क के हिस्से में हो, इसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग को 1-2 रुपया जाता है कि नहीं जाता, 10 पैसे जाते हैं कि नहीं जाते? वो बोलेगा जाता है। तो बोला सर हम कहीं ना कहीं नेटवर्क के हिस्से में हैं। आप अंबानी की सिम यूज कर रहे हो या दूसरा एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जिसकी भी यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके नेटवर्क के हिस्से में, और वहां से आपको आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनको दे रहे हो। अब आप मुझे बताइए जिनका नेटवर्क है, जिनकी चेन बनी हुई है, वही आज चेन से सो रहे हैं सर। जिनकी चेन नहीं बनी हुई, जिनका नेटवर्क नहीं है, वो कहीं ना कहीं बेचैन है आज। क्योंकि अब सोचिए जिसका नेटवर्क नहीं है उसको एक बार देखते हैं। एक डॉक्टर है जो इलाज बहुत अच्छा जानता है और उसके पास कोई कस्टमर नहीं है, कोई आता नहीं है उससे इलाज करवाने के लिए, तो उसके पास क्या नहीं है? नेटवर्क नहीं है। और नेटवर्क नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, तो लोगों के बिना ऑटोमेटिकली उसका काम चलेगा नहीं। हर एक बिजनेस नेटवर्क पे आधारित है। उसको आपको डीपली समझाना है कि किस प्रकार से नेटवर्क पे आधारित बिजनेस चलते हैं। हम एक दूसरे से सर जुड़ना भी हमारा और आपका कनेक्शन होना भी एक नेटवर्क का माध्यम है। नहीं तो एक व्यक्ति को दूसरी जगह पहुंचाना सिस्टम, मतलब अगर देखा जाए तो हम आदिवासी के जमाने में जीना चाहिए था हमें,
क्योंकि वहां पे रोटी पकाने का कोई माध्यम नहीं था, छोटे छोटे चीजों को खाने का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन ये सारे काम पॉसिबल हुए नेटवर्क के माध्यम से। ये चीजें आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों उनको बकायदा बोल सकते हैं कि आप नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है, मेंबर बनाने के बिजनेस में, और बड़ा। और एक और लास्ट जो आपको मैं बात बता दूं, वो भी आपको बोलना है कि सर जब नेटवर्क बनाने की बात आती है, मेंबर बनाने की बात आती है, तो मेंबर बनाने के बिजनेस में मैं भी कुछ टाइम पहले आया, ठीक है। आज मुझे इस बिजनेस को करते हुए 10 महीना हो गया, और 10 महीने में मैंने इतना पैसा कमाया। अब बताओ मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अच्छा सर, मेंबर बनने की वजह से मेरे सीनियर हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ को, स्वास्थ्य को तो सही किया ही किया, साथ में इतनी इनकम 20 लाख रुपया, 22 लाख रुपया उनके घर में भी आए। अब बताएं मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक व्यक्ति ऐसा भी है सर, हमारी कंपनी में टॉप लीडर है, अच्छे लेवल पे है, उन्होंने इतना टाइम हो गया, आज वो 32 महीनों से है, उन्होंने इतना रुपया उन्होंने कमाया है। अब बताओ सर नेटवर्क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सर एक्चुअल में जिनकी चेन बनी हुई है वही चेन से सो रहे हैं, बाकी सब तो बेचैन है। उनको ये बता सकते हो, उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हो? तो सर ये आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बहुत ही अच्छा जवाब दे सकते हो। आप क्या जवाब देते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सकता है कुछ सीखने को मुझे भी मिले। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लेक्स। थैंक यू।